और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में दो लोगों पर फायरिंग हुई है। श्रीनगर के इलाके में दो लोगों पर फायरिंग हुई है। रिफत अब्दुल्ला की यह खबर है, न्यूज 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की खबर। दो लोगों पर फायरिंग हुई है श्रीनगर में, श्रीनगर के सफा कदल इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां दो लोगों पर फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से दो घंटे में तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। रिफत, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए, कब की यह घटना है, किस तरीके से लोगों को टारगेट किया गया, फायरिंग की गई? देखिए, अभी डिटेल्स आ रही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि दो लोगों के फायरिंग की खबर आ रही है और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि दोनों की मौत हुई है। हालांकि कुछ पिक्चर्स भी शेयर हुई हैं जिसमें दोनों डेड दिख रहे हैं ऑन स्पॉट, लेकिन अभी बाकी डिटेल्स आनी है, ऑफिशियल कंफर्मेशन होनी बाकी है। हम भी स्पॉट की तरफ जा रहे हैं और बाकी डिटेल्स जो है वो मालूम होंगी। लेकिन आपको मालूम है कि पांच लोगों की हत्या जो है पिछले तीन दिनों में की गई थी, जिसमें श्रीनगर में जो है एक ही दिन शाम को दो घंटे में तीन लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें बिंद्रू भी शामिल थे, जो एमएल बिंद्रू थे, वेल नोन केमिस्ट थे। तो उसके बाद अगर ये हमला होता है तो कहीं ना कहीं और कंसर्न हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। अभी मैं भी स्पॉट की तरफ जा रहा हूं, अभी बाकी डिटेल्स का इंतजार है। बिल्कुल रिफत, जानना चाहेंगे कि श्रीनगर के जिस इलाके में ये फायरिंग की है उस इलाके के बारे में जरा बताइए, और जिन लोगों को मारा गया है उनके बारे में कोई जानकारी हाथ लग पाई है? देखिए, प्रिलिमिनरी डिटेल्स बता रहे हैं कि कुछ टीचर हैं, लेकिन अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नॉन लोकल हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि इंतजार करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और जब तक मैं भी स्पॉट पे पहुंचता हूं बाकी डिटेल्स वहां से जो है मिल जाएंगी। ठीक है रिफत, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आप देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, श्रीनगर में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी आप देखिए किस तरीके से आतंकवादियों की लगातार बौखलाहट निकलकर सामने आ रही थी। तीन दिन के भीतर पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और महज दो घंटे में तीन लोगों की, स्थानीय लोगों की मौत कर दी, हत्या कर दी गई थी। और ऐसे में अब दो लोगों को टारगेट करते हुए उन पर फायरिंग की गई है। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक टीचर और प्रिंसिपल पर गोली चलाई गई है, ये फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीचरों पर ये फायरिंग की गई है, गोली मारी गई है, एक टीचर और एक प्रिंसिपल बताया जा रहा है। सफा कदल इलाके की ये पूरी घटना, न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की ये खबर। बुजदली लगातार आतंकवादियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बौखलाहट है। जिस तरीके से क्लीन ऑपरेशन घाटी में लगातार जारी है, चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, और ऐसे में स्थानीय लोगों को टारगेट करते हुए। रिफत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिफत, एक टीचर और एक प्रिंसिपल, यानी कि सीधे तौर पर अब स्कूल के टीचर्स को टारगेट करने की फिराक में ये आतंकवादी। जी रिफत, चलिए रिफत का हम रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक टीचर और एक प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया गया, उन पर फायरिंग की गई, गोली चलाई गई। इससे पहले पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर मौजूद थे, स्थानीय लोग मौजूद थे, और एक मेडिकल स्टोर का मालिक भी मौजूद था, जो कि लगातार घाटी में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में ये पूरी तरीके से आतंकवादी जो कि एक्सपोज होते हुए, क्योंकि घाटी में आप देखिए आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स नेस्तनाबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लीन ऑपरेशन अपने चरम पर है, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया हो रहा है, अमन चैन लगातार कायम है, और स्थानीय लोग लगातार सुरक्षा बलों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर या घाटी के अंदर मौजूद सभी इलाकों पर हमारे जवान पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद किसी भी तरीके से ये आतंकवादी अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए, अपने डर, अपने खौफ को कायम करने के लिए इस तरीके से स्थानीय लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब एक टीचर और एक प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया गया, शिक्षकों पर यह हमला किया गया घाटी से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में किस तरीके से टीचर्स पर यह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, एक के बाद एक उन पर गोलियां बरसाई गई, मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर है, इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां लगातार स्थानीय लोग मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकवादियों को नजर आ रहे हैं। डीडीएमए के जो चुनाव हुए थे उसमें भी साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दिया गया था कि देखिए अमन शांति में हम विश्वास रखते हैं, और जो भी सरकार हमारे हितों को लेकर, हमारे अधिकारों को लेकर बात करेगी, उसी सरकार के साथ हम खड़े होंगे। किसी भी तरीके से आतंकवादियों को यहां पर
फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। रिफत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिफत देखिए, पहले स्थानीय लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन अब वो टीचर्स जो कि लगातार बच्चों को शिक्षित करते हुए नजर आते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर अब सीधे तौर पर हमला किया गया, टारगेट उनको किया गया जिनमें दो लोगों की मौत हुई। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, दो लोगों की मौत हुई है और पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में एक बड़ा कंसर्न है। जो मैंने पहले भी कहा कि पांच लोग जो हैं पहले ही मार दिए गए थे 3 दिनों में, और शाम को 2 घंटे में परसों जो है वो 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और आज अगर ये 2 लोगों की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं, और वो भी श्रीनगर में, ज्यादा हत्याएं जो रीसेंट टाइम्स में हुई कुछ दिनों में तो वो सारी श्रीनगर में हुई, जिसमें अभी हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है हत्याएं इससे पहले की गई थी, एक बटमालू एरिया में, एक करण नगर में, और उसके बाद बिंद्रू शॉप पे जो है, बिंद्रू मेडिकेट पे हमला हुआ था, एमएल बिंद्रू की मौत हुई थी उस हमले में, और उसके साथ ही एक और शख्स जो गोलगप्पे बेच रहा था श्रीनगर के एक एरिया में, वो बिहार का था और उस पे फायरिंग की गई, उसकी उसमें मौत हुई। तो अब 2 लोग और जो है जिनको टारगेट बनाया गया है, आज ये सफा कदल का एरिया है, श्रीनगर का एरिया है, तो कहीं ना कहीं श्रीनगर में इस तरीके की एक जो है एक पैटर्न बन गया है टारगेट किलिंग का। लेकिन रिफत, मकसद क्या है, क्या कुछ जताना ये लोग चाहते हैं, क्या जिस तरीके से क्लीन ऑपरेशन लगातार सफल होता हुआ नजर आ रहा है, आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, क्या ये बौखलाहट है आतंकवादियों की कि इसी तरीके से, ठीक है आपका रुख करेंगे रिफत, इस वक्त बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सर आप क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर जहां पर लगातार क्लीन ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, टॉप कमांडर जिन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय लोगों को टारगेट करते हुए 2 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, एविडेंस ने कायरता की सारी सीमाएं पार की है, और बुरी तरह से पिछले 2 दिन से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। पहले एक पंडित बंदूक जी को मारा गया, उसके बाद एक बाहरी जो हम अकेले वाला उसको जी, चलिए फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, ये विचलित करने वाली तस्वीर ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से श्रीनगर में शिक्षकों पर हमला किया गया, एक टीचर और एक प्रिंसिपल पर गोलियां बरसाई गई, जिनकी दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को टारगेट करते हुए महज तीन घंटे में 4 से 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, और ऐसे में अब एक बार फिर से आतंकवादी अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए, क्योंकि लगातार आतंकियों के टॉप कमांडर्स का घाटी में इस वक्त सफाया हो रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, सुरक्षा बल जिस मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इसके बाद एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आतंकवादियों के बीच में ये बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अब स्थानीय लोगों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। रिफत का हम रुक कर लेते हैं, रिफत और क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल पाई है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, दोनों जो है अननोन गनमैन जो है एक जगह स्कूल में दाखिल हुए हैं, और उसके बाद एक लेडी टीचर है, ये सफा कदल का एरिया है, और एक और टीचर जो है, इस लेडी की जो शिनाख्त हुई है सतिंदर कौर और दीपक नाम से जो है, दोनों की शिनाख्त हो रही है। अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं, जैसा मैंने कहा कि ये लगातार हमले हो रहे हैं और ये एक चिंता का विषय जरूर है, और जिस तरीके से पहले भी 5 हत्याएं हुई हैं 3 दिनों में, और जैसा मैंने कहा कि 2 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोगों पे अटैक किया गया था जिसमें बिंदु भी शामिल थे। रिफत, मौत की पुष्टि हो चुकी है इन दोनों की? बिल्कुल, दोनों की डेथ हुई है, जिस तरीके से जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं और पिक्चर्स भी आ रही हैं, और दोनों की जो है मौत हुई है इसमें, और अभी बाकी डिटेल्स जो है इमर्ज होंगी कि आखिर क्या वजह है, क्यों इनको टारगेट किया गया, लेकिन एक बड़ा कंसर्न है अब श्रीनगर में जिस तरीके से ये टारगेट की लीक हो रही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अब चिंता का विषय बन चुका है, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से लगातार स्थानीय लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें